इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए आज का दिन एक बड़ा हिस्टोरिक दिन रहा, क्योंकि आज सेंसेक्स 50,000 के मार्क को पार कर गया। हालांकि बाद में सेंसेक्स डाउन गया और क्लोजिंग जो है वो 49,624 पर हुई, पर काफी वक्त से मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था, एक इंस्टेंट करेक्शन की भी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन मार्केट के बुल्स आज सेंसेक्स को खींचकर 50,000 के पार ले गए। सेंसेक्स का ये 50,000 तक का सफर कैसा रहा, इसके आपके लिए क्या मायने हैं और क्या ये बुलिश ट्रेंड बरकरार रहेगा या फिर नियर फ्यूचर में कोई करेक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने आज बात की फाइनेंस एंड मार्केट एक्सपर्ट शिशिर सिन्हा से। वेलकम टू अनकट शिशिर। नमस्कार, थैंक यू। सेंसेक्स ने आज 50,000 का जो मार्क है वो पार कर लिया, क्रॉस कर लिया, तो एक आम आदमी के लिए इसके क्या मायने? देखिए, एक आम आदमी के लिए 50,000 को लेकर भी बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे थोड़ा आशंकित होना चाहिए। आशंकित इस सेंस में होना चाहिए कि बाजार जब बहुत ऊंचे पे होता है तो आपके लिए प्रवेश का मौका, आपके लिए एंट्री का मौका जो है वो उतना ही कम करता जाता है। किसी भी ऊंचे स्तर पर शेयर बाजार में जाना आपके लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं है। जब तक बाजार एक निचले स्तर पर ना हो, गिरावट के दौर में ना चल रहा हो, तब तक आपको बाजार में एंटर नहीं करना चाहिए। बाजार बहुत तेजी से भाग रहा हो तो मेरा यही मतलब होता है कि आम लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। ये भी इसका मतलब हो सकता है, कुछ जैसा कुछ लोग ये कहते हैं कि बाजार जो है वो फ्यूचर को डिस्काउंट कर देता है। अगर जब आप फ्यूचर को डिस्काउंट करके चल रहे होते हैं तो एक मतलब ये निकलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर इसलिए क्योंकि हम लोग सेंसेक्स को इकोनॉमी का बैरोमीटर है। ये हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी आ रहा है। तो अगर आप इसमें इस समय में सोचते हैं कि हमें शेयर बाजार में जाना चाहिए तो आप बहुत ज्यादा जोखिम ले रहे हो। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय शेयर बाजार में निवेश की संख्या बहुत कम है, मुश्किल से आप 1-5 करोड़। इसमें से ज्यादातर जो है आप कह सकते हैं कि जो बड़े निवेशक एक्टिव जिसको पैसे इन्वेस्टर्स कम है, जो छोटे निवेशक है मोस्टली पैसिव इन्वेस्टर्स, ये लोग कम है। और अगर आप ऊंचे स्तर पर जाते हैं तो आपके हाथ चलने की उम्मीद नहीं कहना चाहिए, आशंका ज्यादा होती है। और यही वजह है कि मैं इस 50,000 को बहुत उत्साह के नजरिए से नहीं देख रहा हूँ। मैं 50,000 को ये देख रहा हूँ कि अगर आपके पास शेयर है आप मुनाफा कमाइए, इनकम मत करिए। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि सेंसेक्स ने हर रेजिस्टेंस को जो है बड़ी आसानी से क्रॉस कर लिया, सपोर्ट लेवल से भी जंप करके मार्केट 50,000 पे जैसे आज पार कर लिया। ऐसे में क्या ड्राइविंग फोर्स रही है बुलिश मूड के पीछे? देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहला तो ये कि जब टीकाकरण की बात हमारे यहाँ शुरू हुई तो टीकाकरण को लेकर के एक उत्साह बना और ये भी उम्मीद जगी की और शायद कोविड के ऊपर हमारी जो एक तरीके से हम कहें कि काबू पाने की वो थोड़ी मजबूत होगी। दूसरा, अगर आप नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस देखिए समय में जब 1,00,000 तक अगर गए थे 3 महीने पहले की बात है, आज वो 30,000 से कम। तीसरा ये है कि अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उस सत्ता परिवर्तन के बाद एक उम्मीद चुकी है कि अमेरिका को स्टिमुलस मिलेगा, जिसका जिक्र जो है वो नए प्रेसिडेंट जो संकेत दे चुके हैं। और इंटरनेशनल मार्केट पे कुछ खबरें ऐसी थी जो थोड़ी निगेटिव थी, खासतौर पर अगर आप ब्रिटेन और यूरोप की बात करें जहां पर नए स्ट्रेन के आने से मामला काफी बिगड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अमेरिका में स्थिति थोड़ी बेहतर है और वो वहां पर मतलब स्थिति बेहतर इस सेंस में इकोनॉमिक स्टिमुलस की वजह से। और दूसरा हमारे यहाँ टीका, ये दोनों चीजों का जो संयोग है ये इस बात के लिए एक उम्मीद जगा रहा है कल हमारा शायद। सेकेंडली, अगर मार्केट को अभी देखें तो ओवरबॉट लग रहा है, जैसे आपने कहा कि जब ऊपर जाता है तो नीचे भी बहुत आता है, तो ओवरबॉट इस वक्त मार्केट लग रहा है और एक करेक्शन की भी उम्मीद काफी पहले से की जा रही थी लेकिन वो अभी तक नहीं आया। बीच में हमने देखा था जब नए स्ट्रेन आए थे तब मार्केट नीचे गया था और अभी कुछ दिन पहले भी मार्केट डाउन गया था लेकिन फिर से एक बुलिश ट्रेंड मतलब आ गया मार्केट में, तो क्या ये जारी रहेगा या फिर नियर फ्यूचर में कोई डाउन ट्रेंड ट्रिगर हो सकता है? देखिए, डाउन ट्रेंड ट्रिगर होने का जो सबसे बड़ा आपका इंडिकेशन मिलेगा या अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू करने का जो ट्रिगर होगा वो आपके बजट से आएगा। हम लोग बजट में अगर देखें कि जिस तरह से कैपिटल गेन टैक्सेशन को लेकर के नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन में हम ग्रेडेड मैकेनिज्म लेकर के आते हैं, दूसरी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या हम कुछ नए इंस्ट्रूमेंट लेकर के आए जो लोगों के हाथ में थोड़े अतिरिक्त पैसे का इंतजाम करें, और तीसरी चर्चा ये शुरू हो गई है कि सरकार और कितना खर्च बढ़ाती है। ये तीन ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आने वाले दिन में शेयर बाजार की दशा दिशा
कुछ हद तक तय करेंगे। चीन के ऊपर हमें नजर रखनी है, जापान के ऊपर और साउथ कोरिया के ऊपर, कि इन देशों में कोविड की स्थिति क्या रहती है। क्योंकि देखिए आज के दिन में इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल ट्रेडिंग में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दूसरे देशों का सामान खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। वहां पर अगर सामान नहीं जिससे बिकता है तो आपके मैन्युफैक्चरिंग पर इसका असर पड़ता है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर इस समय है वो है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस, वो $55 के ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं। यदि और उसको तेजी हम देखते हैं कुल मिलाकर के, मैं अगर कहूँ कि अगले 10 दिन में हमको बजट से एक दिशा मिलेगी कि हमारा क्या होगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन में छूट दी जाती है तो उसका सब घटक रहेगा। खर्चे अगर सरकार ज्यादा बढ़ाती है तो बाजार उसको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। अगर किसी भी तरह के नए सेस या सरचार्ज का प्रपोजल आता है तो बाजार उसको पॉजिटिव मिलेगा। ये सारे एलिमेंट और आज का जो जैसे डाउन ट्रेंड गया लास्ट में वो सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट 50,000 से ऊपर, उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए जाहिर सी बात है कि एक मौका मिला मुनाफा कमाने का, और कोई निवेशक जो एक जिसको हम कहते ना कि एक ऐसा निवेशक जो बाजार की हर गतिविधि में फायदा उठाने की कोशिश करे, बाजार जब नीचे आए तो आप नया माल खरीदे, बाजार ऊंचा जाए तो मुनाफा कमाइए। आज कोई खासतौर पर जो हमारे डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, खासतौर पर अगर आप LIC को देखेंगे, LIC हमेशा से कॉन्ट्रेरियल व्यू लेते हैं, सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, बिग इन्वेस्टर्स कहते हैं, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है जिसका असर ये हुआ कि आप सेंसेक्स जो है वो 50,000 के लेवल। और अगर हम लॉकडाउन से अब तक की बात करें तो लॉकडाउन में देखिए हमने 26,000 तक के लेवल्स हमें मार्केट में देखने को मिले और 9 महीने में 24,000 तक का ये जंप जो है इसको कैसे देखें? ये देखिए ये एक बहुत ही अजीबो गरीब सी स्थिति बन गई है कि रियल इकोनॉमी वर्सेस फाइनेंशियल मार्केट हम जिसको कहते हैं। और अगर आप ये याद करें तो रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत साहब भी कम से कम 3 मौकों पर ऐसा वो कह चुके हैं कि रियल इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट संबंध ही दिखता है। जब हम कॉन्ट्रेक्शन की बात करते हैं, जब हम टेक्निकल रिसेशन की बात करते हैं, हमने 2 तिमाही जो है हमने कॉन्ट्रेक्शन देखा। पहली बार ऐसा हुआ जब हमारे यहाँ 1979 जो मूलभूत आधार है उस बार को सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा यहाँ पर नए सिरे से विचार करना होगा अगर हम नया निवेश करने की सोच रहे हैं। अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स की हम बात करें तो चाहे वो IT हो, ऑटो हो, PSU बैंक्स हो, सब यहाँ पर परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे। हैवीवेट स्टॉक्स सब COVID-19 के बाद से ऑलमोस्ट डबल हो गए, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या राय? सेक्टर स्पेसिफिक में मुझे इस समय में IT सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, इसके पीछे 2 वजह है। देखिए जब से हमने वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट देखा तो उसकी वजह से IT सेक्टर की फैसिलिटी अच्छी बनती है, उसमें नए नए हम इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, नए नए इनोवेशन देख रहे हैं, तो IT सेक्टर की पॉसिबिलिटी अच्छी। डिफेंसिव सेक्टर में चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो या अगर आप FMCG सेक्टर की बात करें, इनका अपना बना रहेगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी एक उसमें तो जाहिर सी बात है वो आपको एक अलग तरीके से देखने को मिलेगी। न्यू सेक्टर से मुझे लगता है कि IT के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए जिसमें नीचे ज्यादा है। लॉजिस्टिक एक एरिया ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि काफी ज्यादा पॉसिबल है, उसमें बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं रहा है, लॉजिस्टिक को काफी बढ़ावा मिलेगा और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के प्लान को देखते हुए लॉजिस्टिक सेक्टर मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट है। एक चीज और आपसे शेयर सब पूछूंगा मैं कि जैसे कि इस वक्त पॉजिटिविटी इस वक्त है आप बता रहे हो और ये कह रहे हैं कि सेलिब्रेट करने का मौका इस तरीके से नहीं है क्योंकि बाजार एक तरीके से लग रहा है कि ओवरबॉट है, तो जैसे कि बजट भी आने वाला है तो बजट में अगर मुनासिब चीजें जिस तरीके से इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से नहीं हुई तो क्या तब डाउन ट्रेंड ये देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, बजट में मैंने आपसे जैसा कहा कि एक कैपिटल गेन टैक्सेशन को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के अगर आप कोई छेड़खानी नहीं करते हैं और दूसरी तरफ अगर आप अपने खर्चे को बढ़ाते हैं बगैर लोगों पर बोझ डाले हुए तो इन दोनों का इम्पैक्ट मिलेगा। अच्छा वहां पर हम तो ये भी ध्यान में रखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट हम किस लेवल पे मेंटेन करते हैं। देखिए हमारा जो FRBM है ये समय नहीं है कि हम FRBM की बातचीत करें क्योंकि आप खर्चे ज्यादा करेंगे,
लेकिन आप कितना खर्चा ज्यादा करते हैं, आपके 8% 10% फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, क्योंकि इस साल ऑलरेडी हम लोग 7.5% से 8% का फिस्कल डेफिसिट हम लोग उम्मीद कर रहे हैं अगले साल में, क्योंकि सरकार का काम जो है वो खर्चा बढ़ाना है। तो अगर आप 5% भी फिस्कल डेफिसिट पे चले जाए, 5.5% फिस्कल डेफिसिट पे चले जाए, उसको शेयर बाजार की नजर रहेगी। अगर वो बहुत ज्यादा होता है, 6% के ऊपर होता है या 5.5% के ऊपर होता है, तो शायद इस बात की संभावना रहेगी कि बाजार उसको बहुत अच्छे तरीके से ना ले। लेकिन सरकार की मजबूरी है, कमाई है नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं से उधार से ही काम चलाना है, और उधार लेंगे तो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मैं फिर एक बार बोलूंगा कि समय नहीं है जब फिस्कल डेफिसिट और एफआरबीएम की चर्चा करें, लेकिन शेयर बाजार जो है वो उस आंकड़े पे भी।